गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है आपके लिए, लेवल 1 और 2 के अंदर जो 2 गुना में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनके लिए, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे लगातार, तो आपके जो दस्तावेज सत्यापन है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका शेड्यूल जारी हो गया है। और 20 और 21 को जो है निदेशालय में उनकी ट्रेनिंग होगी, जो भी कमेटियाँ बैठेंगी। और यहाँ पर जो है शाला दर्पण पोर्टल है, उस पर आपके डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड करवाए जाएंगे। आपको पता है ना, इस बार डबल वेरिफिकेशन होने वाली है। देन आपको जिले में बुलाकर और आपके दस्तावेज जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है, उनको जांच किया जाएगा। तो जो फर्स्ट यहाँ पे जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, 20 तारीख को उनकी ट्रेनिंग होगी। देन जो ये सेकेंड नंबर पर जिले हैं, यहाँ पर 21 को ट्रेनिंग होगी। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। अब जो है विभाग ने तेजी पकड़ी है, लेवल 2 के सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। और उसी के साथ जो है अभी आगे की प्रक्रिया जल्दी होगी। और वैसे भी कहा गया है कि अभी जून में जैसे शेड्यूल जारी हुआ है, हो सकता है जून के लास्ट तक जो है शुरू हो जाए ये प्रक्रिया, और जुलाई में ये प्रक्रिया जो है अनवरत रूप से चलेगी और अगस्त में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत 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 आगामी बधाइयाँ। और मेरी ये दुआ भी रहेगी कि जो किनारे पर है सिलेक्शन, उनका भी हो जाए, और जो अच्छी स्थिति में है उनका तो होना ही है, क्योंकि मेहनत जो है हमेशा रंग लाती है। तो आपने मेहनत की है तो आपको ये ज़रूर जो है आपका सपना पूरा होगा। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सब लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे। अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, शेड्यूल आ जाएगा तो आगे की प्रक्रिया की जो उम्मीद है वो बढ़ जाएगी कि जो है जल्दी ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, अदर स्टेट का भी बताया था कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा उलझन नहीं होगी, क्योंकि वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको राजस्थान के अंदर जो है जनरल के माध्यम से ही आप सेलेक्ट होंगे। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा किसी चीज़ के शपथ पत्र वगैरह या किसी भी चीज़ के, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं बनवानी पड़ेंगी। और अभी आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सफ़ेद पेज लेके उस पे एक जो है शपथ पत्र के जैसे लिखते हैं ना भी इस तरीके से गलती है, तो वो आप साइन करवा लीजिए, वो आप तैयार कर लीजिए सेल्फ अटेस्ट करके। तो उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वीडियो आपको हर चैनल पर मिल जाएगा। मेरे चैनल पर मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया है, तो अभी आप रेडी रहिए अपने एक एक डॉक्यूमेंट्स को। प्लस में जो आपका आपने थर्ड ग्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उस फॉर्म की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और रोल नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो आप निकलवा लीजिए। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था आपका, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह ये तो होने ही हैं। तो आप इन चीज़ के जो है 3-3, 4-4 सेट आप बना के रखिए, कॉपी करवा लीजिए। तो आप अभी इस तैयारी में जुट जाइए, जैसे ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होता है तो आप जो है फिर टेंशन में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले ही आपकी ये चीज़ें तैयार हो जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी सी जानकारी और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।